हाँ, और एक बात, जो भी मीटअप पे आ रहा है नीचे जाके कमेंट करो कि मैं मीटअप पे आ रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट पता चल जाएगा एक दो जन आ रहे हैं कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतने जन आ भी रहे होंगे, तो नीचे कमेंट कर दो कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा बस। Hey, awesome people, what's poppin'? It's a boy, Jai Solanki. Welcome back to another vlog. Okay, so guys, ये vlog मतलब कि normal vlog ही है, तो इसमें मैं आपको meetup का information दूंगा। तो ये मैंने meetup क्यों रखा है उसका मैं reason बाद में दूंगा। तो पहले हम लोग जाते और आपको बताता हूँ कहाँ पे meetup है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे मिलना है, कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। तो चलो, let's go. जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये काला घोड़ा है, जैसे कि देख सकते हो ये काला घोड़ा है। तो जो लोग मीटअप पे आ रहे हैं उन लोग के लिए काला घोड़ा, अगर आप चर्च गेट से आ रहे हो तो चर्च गेट से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स का ये हार्डली 5 or 7 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस। और जो लोग CST से आ रहे हैं हर्बर लाइन, तो उन लोग के लिए वॉकिंग डिस्टेंस भी 10 मिनट्स है। और उन लोग बस से भी आ सकते हैं और या तो कैब भी पकड़ सकते हैं, टैक्सी से भी आ सकते हैं। और उसको भी पूछ लेना और मैं एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काला घोड़ा स्टेप, ये काला घोड़ा है प्रॉपर, यहाँ पे वेस्ट साइड के सामने और ये पूरा काला घोड़ा है। तो काला घोड़ा पे आपको आगे मिलना है स्टेप्स के यहाँ पे, तो अभी लेके चलता हूँ आपको स्टेप्स के यहाँ पे, तो वहाँ पे ही मिलना है। तो लेट्स गो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जहांगीर आर्ट गैलरी है, तो जहांगीर आर्ट गैलरी से हमें स्ट्रेट जाना है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी यहाँ पे ही है, तो जहांगीर आर्ट गैलरी से हमें स्ट्रेट जाना है। तो स्ट्रेट जाओगे तो वहाँ पे हमें स्टेप्स मिलेगा, तो स्टेप्स पे मीटअप होने वाला है। तो अभी लेके चलता हूँ और रास्ता भी बताता हूँ किधर है किधर नहीं। रास्ते से आना है तो सब लोग को पता होगा कॉपर चिमनी और चेतना एक बड़ा रेस्टोरेंट है, और कॉपर चिमनी भी बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। आयरिश हाउस भी जिसको पता है, उन लोग भी आयरिश हाउस के सामने ही है ऑलमोस्ट। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, और मैंने पहले भी काला घोड़ा पे ब्लॉग बना चुका हूँ और एल्फिंस्टन कॉलेज के ऊपर भी ब्लॉग बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि स्टेप्स कहाँ पे एंड ऑल। तो अभी हाँ, तो देखो ये काला घोड़ा, हाँ ये काला घोड़ा है। तो अभी हमें आगे जाना है स्टेप्स के यहाँ पे, तो मैं रास्ता बताता हूँ कहाँ पे नहीं। लेट्स गो। ओके, सो तो जैसे कि आप देख सकते हो ये चेतना है, चेतना के बाजू में आयरिश हाउस है, चेतना के बाजू में आयरिश हाउस है। और ये पूरे जगह को स्टेप्स बोलते हैं। सो हमारा मीटअप वहाँ पे होने वाला है, जो पर्पल स्टेप्स दिख रहा है वहाँ पे हमारा मीटअप होने वाला है। और यहाँ पे इसके सामने बॉस्टन बर्ड भी है और कॉपर चिमनी भी यहाँ पे। ये पूरे एरिया को काला घोड़ा बोलते हैं। और ये पर्पल स्टेप्स है, जैसे कि देख सकते हो पर्पल स्टेप्स है, वहाँ पे ही मिलना है। तो मैंने अभी क्लियरली सबको बता दिया है कहाँ पे मिलना है कहाँ पे नहीं, क्लियरली सबको पता चल जाए। ये एरिया जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ही मिलना है, और ये यहाँ पे पर्पल स्टेप्स है, तो स्टेप्स के यहाँ पे ही मिलना है। और मिलेंगे, बातें करेंगे, क्या ही जाने, तो यहाँ पे मिलना है। तो मैंने देख सकते हो स्टेप्स है पूरा, तो हमें यहाँ पे ही मिलना है, यहाँ पे या तो इसके ऊपर कहाँ पे भी मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। तो चलो ऊपर जाके आपको बताता हूँ यहाँ पे हमारा मीटअप होने वाला है। और मैंने प्लेस यू चूज किया क्योंकि यहाँ पे मतलब ये बहुत शांति होती है, यहाँ पे किसी का कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं है। और यहाँ पे लोग आ भी सकते हैं, इजी है, स्टेशन से भी नज़दीक है और जगह भी बहुत सारी है, और यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। और तो हम लोग यहाँ पे भी मिल सकते हैं, पूरी जगह हमारी है, तो यहाँ पे मिलेंगे और बातें करेंगे, क्या है क्या नहीं डिस्कस करेंगे, आगे का कंटेंट और
जो नए ब्लॉगर्स हैं उन लोग भी आ जाओ। बहुत सारे लोगों ने मुझे स्नैपचैट पे मैसेज भी किया था कि कोलैब करना है, और जो लोग बाहर के भी ब्लॉगर्स हैं, वेस्टर्न सेंट्रल साइड के, वेस्टर्न साइड के, हर्बल साइड के, सेंट्रल साइड के, और यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, कोलाबा साइड में भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, तो जिन लोग को भी कोलैब करना है उन लोग मीटअप पे आ सकते हैं। हम लोग मीटअप पे मिल के बात करेंगे, कोलैब करेंगे और मिलेंगे एक दूसरे से। और जो लोग मुझे लाइव में पूछ रहे थे कि तू शेख ब्रदर्स और मुस्तफ़ा पटेल से कोलैब कर, तो ज़रूर मैं मुस्तफ़ा पटेल और शेख ब्रदर्स से कोलैब करूँगा इन फ्यूचर। बट इफ़ दे आर इंटरेस्टेड सो मैं मीटअप नहीं तो मैं उन लोग के साथ भी कोलैब कर दूँगा कोई। और हमें यहाँ पे ही मिलना है, तो सब लोग आ जाना। इवेंट का टाइम है 3 बजे, तो 3 बजे का मैंने टाइमिंग रखा है क्योंकि 3 बजे सब लोग आराम से आ सकते हैं। तो 3 बजे का टाइमिंग है, जो लिंक रहेगा, एड्रेस रहेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एड्रेस का। जो लोग को अभी भी नहीं समझा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस डाल दूंगा, तो आप किसको भी पूछ के यहाँ पे आ सकते हो। और ये बहुत मतलब कि इजी जगह है, कहाँ से भी आप पूछ के आ सकते हो। काला घोड़ा स्टेप्स, बस आप पूछ लेना काला घोड़ा स्टेप्स कहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और बारिश की भी बात है, तो बहुत दिनों से बारिश भी गिर रहा है इतना, तो आई होप सो तुम लोग संभाल के आना क्योंकि बहुत बारिश भी गिर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई दूसरा हर्ट हो या फिर कोई दूसरा फंस जाए किसी और में, तो बारिश है उसके लिए संभाल के आना। और जहाँ से भी आप लोग आ रहे हो संभाल के आओ। सो मुझे बहुत सारे लोग लाइव पे आए थे, कल मैं लाइव गया था तो लाइव पे आए थे और बोल रहे थे कि हम लोग गाड़ी में आएंगे, ऑडी लाएगा हमें, इनोवा लाएगा, तो देखते अभी कौन कौन आता है। कोई ना एक तो बोल रहा था मैं दिल्ली से आऊँगा ऐसा, और कोई तो बोल रहा था मैं तेरे लिए केक भी लेके आऊँगा, गिफ्ट लेके आऊँगा, तो केक लाना है तो लाओ, होली खेलेंगे हम लोग। अरे नहीं, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं, केक भी लाना है तो लाओ, ऐसा कुछ नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मिलेंगे। अच्छा, और जो लोग के पास न्यू आइडियाज़ है तो हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, और मैं पक्का बता रहा हूँ कि हम लोग वो आइडियाज़ पे वर्क भी करेंगे। तो हम लोग वर्क करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो और हमें हमारा चैनल ग्रो करना है, और जिसको भी आना है आ जाओ, बहुत इजी एड्रेस है वही, तो एड्रेस वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक करके आ जाना। और ये मीटअप का रीज़न क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। तो मीटअप का रीज़न ये है कि मैं मेरे पास 3 ईयर से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नानी ऑफ हो गई थी, उसके लिए मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा था मेरा। तो मैंने सोचा क्यों ना न्यू ईयर, मतलब कि ये साल ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करके 8 मंथ्स हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मीटअप रख लूँ एक छोटा। बर्थडे तो वैसे भी मैं सेलिब्रेट नहीं करने वाला हूँ, तो आप लोग से मिल क्यों ना लूँ और आप लोग से बातें कर लूँ, तो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और खुशी भी होगी मेरे लिए कि मैं आप लोग से मिल लूँगा। और आप लोग भी मतलब कि इतने दिनों से बोल रहे थे कि मिलना है, तो आप लोग से भी मिल लूँगा एंड ऑल, बातें करें क्या है क्या नहीं, और मिलते दो फिर यहाँ पे। जो है वो मैंने सब बता दिया है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस है, और यहाँ का मैप भी आप गूगल मैप से भी सर्च करके यहाँ पे आ सकते हो। जो लोग वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं उन लोग के लिए तो वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 5 और 7 मिनट्स ही है, और जो लोग सेंट्रल और हर्बल साइड से आ रहे हैं उन लोग के लिए भी कैब से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, बहुत ईजी है। और उन लोग के लिए वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 10 to 15 मिनट्स है, पर ईजी है क्योंकि नज़दीकी है वीटी से वही। तो मैं आई होप कि आप लोग को समझ गया, तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो मीटअप पे आना 12 जुलाई 3 बजे, 3 बजे का मीटअप है 12 जुलाई को, तो सब लोग आ जाओ, मिलेंगे, बातें करेंगे और वर्क करेंगे आगे ये काम पे वही। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू हिट अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन डैब, पीस ब्रो।